ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी बाबा के बच्चे, दूसरों के जीवन में आशाओं के दीप जगाने वाले हैं, इसलिए हमें कभी निराशा के अंधकार में नहीं डूबना है। हमारी बहुत सुंदर साधना है और साधना का मार्ग ऐसा होता है कि इसमें मनुष्य को कभी ना कभी निराशा आ जाती है। हमारा माया से भी युद्ध है, इस युद्ध में भी हार जीत का खेल चलता है, तो कभी ना कभी मनुष्य निराश हो जाता है, वो हताश भी हो जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं मेरी इस माया पर विजय होगी या नहीं। कभी शारीरिक बीमारियां लंबा समय चल जाती हैं, तो भी मनुष्य बहुत निराश हो जाता है, उसकी खुशी समाप्त हो जाती है, और कभी उसके जीवन को समस्याएं घेरे रहती हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी समस्याओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता, तो भी मनुष्य बहुत निराश हो जाता है। परंतु हमें याद रखना है, आज यदि हार है तो कल जीत अवश्य होगी, आज यदि निंदा हुई है कल महिमा अवश्य होगी, आज यदि हानि हुई है तो लाभ भी अवश्य होगा। ये खेल ही ऐसा है जिसमें सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति ये सब चलता रहता है। परंतु जो मनुष्य सदा अपने लक्ष्य की ओर देखता है, वो इन चीजों से रुकता नहीं है। तो अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल करें। आज अंधकार है जीवन में, ये दिन भी बीत जाएंगे और प्रकाश की किरणें हमारे जीवन को जगमगाने लगेंगी। तो निराशा की चादर कभी नहीं ओढ़नी है। पुरुषार्थ में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हों, अपने पास कुछ प्लानिंग लेकर अवश्य चलना है। विजय हमारी है, हमें साथ देने वाला कौन है ये हमें कभी नहीं भूलना है। और बाबा का ये महावाक्य याद रखना है कि कई बच्चे समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं, इतने निगेटिव हो जाते हैं, जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें साथ देने वाला कौन है। तो आइए हम खुशियों से अपना श्रृंगार करें, खुशनुमा चेहरा हमारा म्यूजियम बन जाएगा और इस म्यूजियम को देखकर अनेकों को सद्ज्ञान प्राप्त होगा, अनेकों के जीवन से निराशा के काले बादल छट जाएंगे। सोचो हमारा कर्तव्य कितना महान है, संसार में कितने लोग निराशा की नींद में सोए हैं, स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे जो सफल नहीं होते, जो बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी नौकरियों को नहीं पाते, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन हमें तो सबको खुशियां देनी है, हमारा जीवन खुशियों का भंडार बना रहे, इसके लिए रोज सवेरे ही स्वयं को खुशी से हम भरपूर करेंगे। तो इस निराशा के अंधकार से बचने के लिए, स्वयं को खुशी के खजाने में संपन्न करने के लिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों की जरूरत पड़ती है। संकल्प स्वमान के हों, किसी की कुछ भी समझ में ना आए कि श्रेष्ठ संकल्प क्या होते हैं, तो हमें ये पता हो कि स्वमान ही श्रेष्ठ संकल्प हैं। तो अपने पास 25 स्वमान लिख कर रख लें और उनको याद कर लें, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो हमारे जीवन से निराशा के सभी संकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि निराशा हमें अपनी शक्तियों को भुला देती है और शक्तियों की याद आते ही निराशा आशा में बदल जाती है। तो आज सारा दिन हम एक बहुत सुंदर ड्रिल करेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में ऊपर ब्रह्मा माँ है, हमें प्यार से निहार रही है,
और कह रहे हैं बच्चे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चिंता न करो। और उनके मस्तक से शीतलता की किरणें हमें आ रही हैं और हमारे राइट साइड में हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनसे शक्तियों की किरणें मिल रही हैं। एक बार बोलेंगे, दूसरी बार बोलेंगे, ये क्रम चालू रखेंगे। ओम शांति।